दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर चुनाव हुआ। इन 10 सीटों पर चुनाव होने के साथ ही एक नई खबर सामने आ गई। यहां तस्वीर सामने आने लगी है कि कैसे इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के हाथ में दी गई वो कमान, जो कि चुनाव को वो देख रहे थे, 80 सीटों के गणित पर जो वो काम कर रहे थे, अब वो उनके हाथ से ले ली गई है। एक अहम बैठक में भी उन्हें बाहर रखा गया है और अब ये कमान खुद अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। क्या वाकई में इस वक्त योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की अहम प्लानिंग से दूर रखा जा रहा है? क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ पर दिल्ली विश्वास नहीं कर रही है? और अगर ऐसा है तो योगी आदित्यनाथ के लिए इस चुनाव के बाद कौन सी बड़ी खबर है जो कि बुरी खबर की तरह सामने आ सकती है? योगी आदित्यनाथ को इस बार इस चुनाव में एक हिंदू चेहरे के तौर पर बहुत तवज्जो भी नहीं दी गई है। योगी आदित्यनाथ खुद भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उस तरह से दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो आखिरकार तस्वीर क्या निकल कर सामने आ रही है? क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच की ये खाई और ज़्यादा बढ़ गई है? अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से टेक ओवर कर लिया है, यानी कि अब अमित शाह उन तमाम चीज़ों को देखने वाले हैं जो कि अभी तक योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी थी। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आएंगी, इसकी जिम्मेदारी अब योगी आदित्यनाथ पे नहीं, अमित शाह पर आ गई है। और अब राज्य के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उसमें एक एक चीज़ पर योगी आदित्यनाथ नहीं, अब अमित शाह नज़र रख रहे हैं। क्या गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त उत्तर प्रदेश के गणित के पर भी साथ साथ काम कर रहे हैं और देश के गणित पर भी वही ध्यान दे रहे हैं? बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ से किस बात की इतनी दूरी बनाई जा रही है? आइए समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार और मैनेजिंग एडिटर 4TV के वाहिद नसीम जी से। मैंने आपके साथ ये शंका जाहिर की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि अगर उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन का अमला अगर वोट डालने में पहले जैसी दिक्कत पैदा करता है तो फिर अमित शाह साहब की कमांड काम कर गई और योगी जी को किनारे कर दिया गया है कमांडिंग पोजीशन से, क्योंकि पिछले दो चरणों के चुनाव में प्रशासन का वोट डालने में दिक्कत तो आ रही है आज, तो इसका मतलब सीधी बात है कि मतलब यह है कि टेक ओवर कर लिया गया है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि चुनाव आयोग जो है वो किस तरीके से उनकी नियुक्ति हुई है और किस तरह वो अमित शाह साहब की बात मान सकते हैं, क्योंकि निर्देश और आदेश जारी वही कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये होने दिया गया और ये शाम तक सफल हुआ तो फिर ये मान के चलिएगा कि पूरे देश के अंदर इसका नक्शा जो है आपको दिखाई देगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही एक ऐसी जगह थी जहां पर योगी जी एक मजबूत नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद थे, जो टक्कर दे सकते थे अमित शाह साहब को, और अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब विपक्ष ने सरेंडर कर दिया है और यहाँ योगी जी भी सरेंडर कर चुके हैं, तो इसका मतलब चुनाव के जो नतीजे हैं फिर वो बहुत ही अलग दिशा में चले जाएंगे। अगर जो प्रशासनिक अमला तो आप ये जिस कह रहे कि उत्तर प्रदेश के पिछले दो चरणों का चुनाव योगी आदित्यनाथ की निगरानी में हुआ और इस बार अमित शाह की निगरानी में होने जा रहा है और वहां पर अब जो मॉडस ऑपरेंडी है वो पूरी चेंज हो गई है इस तीसरे चरण के चुनाव से और इसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए अगर ये अगर एक्टिव जो रिपोर्ट आपने दिखाई, आपने बाकायदा एक जो वोटर है उसकी आपत्तियां आपने दिखाई हैं, अगर वो आपत्तियां सही हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि भाई ये जो कानपुर में मीटिंग हुई थी जिसमें आदित्य योगीनाथ को बाहर रखा गया था, तो इसका मतलब साफ है कि कमांड हाथ से ले ली गई है और कमांड को चुनाव आयोग हैंडल कर रहा है। इस पर अब डाउट होने लगा है कोई डायरेक्टली जो है, बहरहाल गृह मंत्रालय तो अमित शाह साहब के पास है ही, उसके बाद भी अगर ये रामपुर जैसा जो व्यवहार है वोटर के साथ होना शुरू हो चुका है और अगर रोका टोकी शुरू हो चुकी है तो फिर इसका मतलब कमांड चेंज हो चुकी है। मगर एक बात अभी भी विनीता जी दिखाई दे रही है, देखिए एक टीम है जो काम करती है आरएसएस की कमांड में, दूसरी टीम है जो आदित्य योगीनाथ का एक संगठन है जिसे सब जानते हैं, वो आदित्यनाथ से अपनी कमांड लेता है। तीसरा एक और संगठन है जिसे बजरंग दल या फिर हम जो है शिवसेना या उस तरह के जो संगठन है उनको मर्ज करने की कोशिश की गई है और दाएं बाएं से उनमें से ही कुछ लोगों को अमित शाह ने अपनी कमांड में लिया है। आरएसएस नदारद दिखाई दे रही है, बीजेपी की भी कोर कार्यकर्ता जो है वो नदारद दिखाई दे रहे हैं, मगर टीम अमित शाह एक्टिव दिखाई दी जिसकी वजह से आपको अमित शाह तो आज एक्टिव होगी ना भाई जी, गुजरात में 26 सीटों पर चुनाव है आज।
आज पूरा गुजरात में चुनाव है, अमित शाह की टीम एक्टिव होगी, लेकिन यहाँ पर अमित शाह का ध्यान ज्यादा गुजरात पर होगा या उत्तर प्रदेश पर, ये भी तो सवाल है। नहीं, गुजरात में इसलिए ध्यान करने की अमित शाह को जरूरत नहीं है। देखिए, हर गांव में गुजरात के मॉडल समझिए, गुजरात के हर गांव में अमित शाह का एक आदमी होता है। आप जाएंगे रिपोर्टिंग करने, आप वहां जाके शो करेंगे, जब तक उनका वो बंदा वहां नहीं आ जाएगा तब तक आप शो भी शुरू नहीं कर सकते। गांव वाले डरे बैठे होंगे, मैंने कई बार वहां के गांव में जाके आप जो है लोगों को इकट्ठा किया, नेताओं को इकट्ठा करके डिबेट करना चाहा, मगर मुझे वो चीजें फेस करनी पड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो फेस करनी पड़ी, यानी कि वो बंदा जब तक वहां नहीं पहुंच जाएगा आप डिबेट भी शुरू नहीं कर सकते। तो वहां पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है कि लोग अमित शाह के उस बंदे से भयभीत होते हैं सभी लोग, क्योंकि पुलिस और प्रशासन उसकी कमांड में चलता है और वहां पर अमित शाह को फोकस करने की जरूरत नहीं है। मगर उत्तर प्रदेश जैसा जो प्रदेश देश को लगातार प्रधानमंत्री देता आया है, जो देश को लगभग लीड करता आया है, क्या उसने गुजरात के सामने सरेंडर कर दिया है? मसला सिर्फ ये है, मसला बड़ा सीधा सा है। मेरे ख्याल से प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश की कभी रही नहीं, ना आजादी के पहले रही, ना मुगल काल में रही, ना मुगलों से पहले रही, और ना अब जरूर ये नजर आ रही है कि शायद अपने आप को। देखिए एक चीज विनिता जी, मैं आपको बताता हूँ, आप किसी गुजराती से पूछेंगे तो वो कहेगा तुम कौन हो, वो कहेगा मैं गुजराती हूँ। किसी पंजाबी से पूछेंगे वो कहेगा मैं पंजाबी हूँ। किसी बिहार वाले से पूछेंगे वो कहेगा मैं बिहारी हूँ, असमी हूँ, बंगाली हूँ, सब कहेंगे। कभी किसी यूपी वाले को पूरे दुनिया के अंदर या देश के अंदर ये कहना सुना है कि मैं यूपीए हूँ? कभी सुना है कि मैं यूपीए हूँ? कभी नहीं सुना ना। वो कहता है मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मतलब ये तेवर जो है यूपी के लोगों के रहे हैं। वो नहीं कहता मैं राजस्थानी हूँ, वो नहीं कहता है मैं एमपी वाला हूँ, मतलब वो कहता है मैं भारतीय हूँ। तो ये तेवर क्या अमित शाह साहब के सामने सरेंडर कर दिया है उत्तर प्रदेश ने, दलितों ने, यादवों ने, ओबीसी ने? बिल्कुल, सवाल ये है ना। देखिए बड़ा सीधी बात है, ये देखने को मिल रहा है, अगरचे पथराव हो रहा है, अब भी पथराव हो रहा है, जबकि हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के बाद भी अमले को इस तरह कंट्रोल नहीं करेंगे कि वो जो है जबकि अभी मतलब, पिछले दो चरण का चुनाव हुआ तभी तस्वीर नहीं दिखाई दी। मैंने खुद ये कहा था, मैंने ये खुद कहा था कि मैंने अपने जीवन काल में इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं देखा। आज अगर उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, अगर आज उसको चीजें कंट्रोल की जा रही है, तो फिर ये कमांड जो है, क्योंकि तब आदित्यनाथ जी भी अमित शाह और मोदी जी की कोर टीम के साथ जो तय होता था उसी के आधार पे काम करते थे। अब चूंकि योगी जी तो नहीं कर रहे हैं, मगर अमित शाह जी की अपनी कमांड जो है वो शायद एक्टिव हो चुकी है और उसका नतीजा जो है वो जमीन पर दिख रहा है। चुनाव की हार जीत नहीं, ये मामला अगर कंट्रोल में आता है और शाम तक कुछ और इसी तरह की खबरें आती हैं, तो फिर जो है बहुत कुछ हाईजैक होने वाला है। ये सिर्फ यहां तक बात रुकने वाली नहीं है, क्योंकि एक बात और भी साइकोलॉजिकली टेस्ट की जाती है विनिता जी, जो खास तौर से बुद्धिजीवी वर्ग उसकी चर्चा नहीं करते। एजेंसी जो है वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लेती है। वो साइकोलॉजिकल टेस्ट कुछ इस तरह से होता है कि आप किसी के साथ कुछ करके देखते हैं थोड़ा सा, कि ये इसको कितना चिल्लाता है, कितना शोर मचाता है, इस पर कितना बाहर आता है, कितने लोग इसका विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है ना, ये आज का जो टेस्ट है, अगर ये टेस्ट सफल हुआ तो फिर टेस्ट में इसका मतलब सब अगले चरण में तो पूरा का पूरा सब कुछ अपने तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि ये दिखाई देगा कि विपक्षी पार्टियां और विपक्षी वोटर्स जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, वो कुछ कह ही नहीं सकते। तो अगर ऐसा होता है तो सीधी बात है कि फिर वो ये टेस्ट जो है साइकोलॉजिकल उनका पास होगा और इसके नतीजे बहुत अच्छे आने वाले नहीं है। एक बजे तक का ट्रेंड जो है ये निकल के आ रहा है फिरोजाबाद का, पोल परसेंटेज जो है वो आ रही है सामने, टूंडला की वोट परसेंटेज इसमें आ रही है, पोल परसेंटेज 42.26, जसराना की 41.19, फिरोजाबाद की 36, शिकोहाबाद 41 और सिरसा 39। वोट प्रतिशत बहुत हाई है, वोट प्रतिशत हाई है, मगर ये तमाम वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व है। यहां वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तो लीड से वोट, जहां समाजवादी पार्टी है वहां पर परसेंटेज अच्छी आ रही है, बाकी जगह पर उतना अच्छा नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर
परसेंटेज अच्छा आ रहा है, तो फिर इतना हंगामा और पथराव होना, किस तरह का डिस्ट्रक्शन है ये जो कि रोकने की कोशिश कर रहा है पोलिंग परसेंटेज को? ऑब्वियसली ना, देखिए वो वोट प्रतिशत को कम किया जाए, खेला जाए, मगर एक चीज जो मेरे ख्याल से एपिसोड वो आप टेलीकास्ट जरूर करेंगे, जिसमें मैंने एक बात कही थी, एक बार फिर मैं भी ये बात कम से कम एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचाने के लिए जरूर ये कहूंगा कि वो तमाम जो भी एजेंट किसी भी पार्टी के मौजूद हैं, जब शाम को पीठासीन अधिकारी फॉर्म 17C भर के देगा तो वो तुरंत अपनी पार्टियों को पहुंचाएं। तमाम पार्टियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तमाम उसको सार्वजनिक करें, कितना वोट टोटल था, कितना वोट पड़ा, कितना वोट जो है परसेंटेज निकला, ये तमाम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी बनती है कि वो पब्लिक के सामने उसको प्रेषित करें, उसको बताएं, ताकि आगे जो कुछ वोट परसेंट प्लस या माइनस होने वाला है चुनाव आयोग के द्वारा, वो सबके सामने ट्रांसपेरेंट रहे। और फॉर्म 17C जो है 17C को बाकायदा अपनी साइटों पे अपलोड करें, तो ही आप लोग आगे इससे फाइट कर सकते हैं चीजों से, वरना तो फिर मैं भी यही मानूंगा, पुरानी बात है मेरी, मैं मानूंगा कि आप लोग मिल भगत करके जो है सत्ता सौंप रहे हैं। पॉइंट ये भाई जी, यहाँ पर अगर मैं पिछले दो चरण के मतदान के हिसाब से आज की स्थिति देखती हूँ, तो कैसे आकलन किया जाएगा कि स्थितियां जो है वो बीजेपी के फेवर में अभी जा रही है कि नहीं? पिछले दो चरण उनके अगेंस्ट दिखाई दिए हैं, और अब ये जो अब जो ये तीसरा जो है चरण, इसमें भी चर्चा ये हो रही है कि मुश्किलें बढ़ रही हैं बीजेपी के लिए इस बार। इस बार आसान तो साफ है। आज 4 सीटें हैं वेस्ट बंगाल की, 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। अगर आज का टोटल प्रतिशत निकाला जाएगा पोलिंग परसेंटेज का, और ये देखा जाएगा कि किसके फेवर में गया, तो बीजेपी के फेवर में अगर गुजरात की वजह से जा भी रहा होगा, तो बाकी जो जगह है अगर उनको देखें, हम आज जो चुनाव है 4 सीटें आसाम में है, बिहार की 5 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें हैं, 2 गोवा में, 26 गुजरात में, 14 कर्नाटक में, और आज कर्नाटक का चुनाव पूरा हो जाएगा इसके साथ। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 8 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, महाराष्ट्र में जो कि कमजोर पड़ रही है, स्थितियां अच्छी नहीं है बीजेपी के लिए। मैं आ रही हूँ आपके पास, 10 सीटें उत्तर प्रदेश की, 4 सीटें अंडमान निकोबार की हो गई है, और 2 सीट है यहाँ पर दादर नागरवली, और 1 सीट जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर का एक एक करके चुनाव हो रहा है सीट का। तो पॉइंट ये है, यहाँ पर स्थिति को अगर देखें तो ओवरऑल परसेंटेज आज की इस पूरी सिचुएशन में इन राज्यों को देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए 50-50 सिचुएशन क्रिएट होती है आज की चुनाव की, आज के चरण की। नहीं नहीं, 100% 50-50 की पोजीशन नहीं होती है एक्चुअली। अगर वोट परसेंट जो है बंगाल में भी अच्छा खासा हो रहा है, यूपी पे भी अच्छा खासा हो रहा है, अगर ये जो मध्य प्रदेश और गुजरात में आपको थोड़ा स्लो दिखेगा, उसकी वजह बड़ी सीधी सी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो वोटर को लाता था पन्ना प्रमुख, वो अब भी एक्टिव नहीं है। यहाँ ये जो अमला एक्टिव किया गया है, ये वो कमांड है जिसको डायरेक्ट अमित शाह साहब कमांड करते हैं। याद रखिएगा, गुजरात में अमित शाह साहब की टीम की भारी कमांड है, मध्य प्रदेश में भारी कमांड है, और आसाम में भी अमित शाह टीम की, मैं कह रहा हूँ आरएसएस और ये सब छोड़ दीजिए, अमित शाह टीम की कमांड है। मगर बाकी सभी स्टेट में वोट प्रतिशत अगर ज्यादा होता है, महाराष्ट्र में ज्यादा होता है तो माना जाएगा कि वो एंटी बीजेपी हो रहा है, बंगाल में ज्यादा होता है माना जाएगा एंटी बीजेपी हो रहा है, अगर वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ज्यादा तो वो भी एंटी बीजेपी हो रहा है। यहाँ बड़ा स्पष्ट गेम है, क्योंकि जो एक पार्टी के, अब आप सोचिए, अमित शाह और मोदी जी के अलावा आपको कोई स्टार प्रवक्ता दिख रहा है? कोई मोहन भागवत अपील करता घूम रहा है? योगी कहीं कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं? कहीं कोई उत्तर प्रदेश के अपने अपने राज्य की तो हर कोई कमान संभालता है ना। आप शिवराज सिंह चौहान को देखेंगे, वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो वो अगर आप ये समझें कि ये वोट प्रतिशत जो आज बढ़ेगा, वो वोट प्रतिशत टोटल बीजेपी के खिलाफ जाने वाला है, ये स्पष्ट है। गुजरात को छोड़ के, गुजरात में ऊपर हो या नीचे हो, मुझे नहीं लगता कि वहां बहुत ज्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि वहां कंट्रोल इनका बड़ा जबरदस्त है। 3-4 सीट या 5 सीट जो है वो मैक्सिमम अगर आई तो वो बहुत बड़ी बात होगी। मध्य प्रदेश में जरूर जो है वो गेन कर रहा है, और अच्छा खासा गेन कर रहा है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस गेन कर रही है, ये आप कह रहे हैं? अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, क्योंकि आज महाराष्ट्र में भी चुनाव है 11 सीटों पर, तो महाराष्ट्र की में कोई गुड न्यूज नहीं निकल के आ रही है। इस बार बहुत ज्यादा जोर लगाया हुआ है बीजेपी ने महाराष्ट्र में। देखिए,
महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है उसे तो आप मान लें कि इनको अगर जो भी सीटें वहां से मिल जाएंगी वो इनके लिए गिफ्ट होगा। जिस तरीके का एक गेम प्लान किया था इन्होंने, अब मैं उसे बीजेपी कहूं या मोदी अमित शाह कहूं, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या कहूं, पार्टी कहूं कि दो लोगों की टीम कहूं, जो भी कहूं, मतलब कुल मिला के दो लोगों की टीम ने जो कुछ प्लान किया था वो इस तरह से था शायद कि हम शिवसेना को शिवसेना से भिड़ा देंगे और हम जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी को एनसीपी से भिड़ा देंगे और फिर हम कांग्रेस जो है वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर जो है हमने वोट को पहले ही बिखेर दिया होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम बहुत सारी सीटें जो हमारे पास होंगी वो सब जीत लेंगे और आराम से महाराष्ट्र में राज करेंगे। ये पूरा का पूरा बैकफायर कर गया है। शायद इन्होंने जमीनी कंडीशन को समझने में थोड़ी बहुत भूल कर दी है। यहाँ बात बाला साहब ठाकरे की मराठी अस्मिता का सवाल है, मराठी अस्मिता के साथ साथ गडकरी के साथ जो नागपुर में हुआ है वो फैक्टर लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह के संविधान के विदर्भ में बिल्कुल पूरी तरह से काफी हद तक बीजेपी के लिए स्थितियां अच्छी दिखाई नहीं दे रही है वहां पर। मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि देखिए अमिता जी, बात यह है कि अगर लोगों को जिस संविधान ने उन्हें जो सम्मान दिलाया है, एक तो मराठा अस्मिता है, दूसरा जो है संविधान के जरिए दलित बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है, तो वो उनको संविधान खतरे में नजर आ रहा है। वो जानते हैं कि इस संविधान के होते हुए अखिलेश यादव के मंदिर जाने पे उसे गंगा जल से धोया जा सकता है, तो संविधान हटने के बाद तो फिर इनका गांव के किसी बाहर के कोने पे ही कोई ठिकाना बनाना पड़ेगा। गांव में भी अगर ये घुसेंगे सफाई कर्मचारी के अलावा तो फिर गांव आप पवित्र हो जाएगा। जब मंदिर के धुलने वाली ये तस्वीर है, मैंने इस पे ट्वीट भी किया था एक कि ये मतलब ये बहुत बेहूदगी है, जहां पर आपको एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं एक बहुत प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बात कर रही हूँ, कोई पार्टी की बात नहीं है यहाँ पर, कोई जर्नलिस्ट की बात नहीं है, एक सिंपल बात है। जब कोई मुख्यमंत्री आपको हाईवेज देता है, जब कोई मुख्यमंत्री आपको ऐसी अमेजिंग बिल्डिंग देता है जो कि PHQ, दिल्ली की PHQ की बिल्डिंग आप देखिए और लखनऊ के PHQ की बिल्डिंग आप देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज यहाँ पर इस वक्त आप ये ग्लोबल विस्टा, ये सेंट्रल विस्टा की अगर आप सिचुएशन देखते हैं तो सेंट्रल विस्टा में आप जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, कई अधिकारियों से मेरी बात हुई, किस तरह की स्थिति यहाँ पर दिख रही है आपको, कैसे बन रही हैं चीजें, कैसी लग रही हैं, कह रहे हैं बिल्कुल ऐसी स्थितियां लग रही हैं जैसे पता नहीं कि मतलब कोई आर्किटेक्चर में कोई मजा ही नहीं है, सिंपल बेसिक बिल्डिंग्स। मैं संसद में गई, नई संसद जो है अभी हाल ही में, अभी इस बारे में कोई बात तो करने को तैयार नहीं होगा, लेकिन हाँ वहाँ एक मॉक ड्रिल हुआ था अभी सिक्योरिटी का, तो पता चल रहा था कि वो बिल्डिंग पर ही इतना एयर प्रेशर आ गया हेलीकॉप्टर का, जिसकी वजह से बिल्डिंग में वाइब्रेशन हो गई नई संसद में। पुरानी संसद आप देखिए जिसके पिलर्स इतने ज्यादा हैं कि कोई भी एयर प्रेशर कभी भी उस बिल्डिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर एक ड्रिल आपको हिला रही है, ये इस तरह के सवाल। ऐसे में मैं वापस आ रही हूँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि अखिलेश यादव जो कि आपको लोक भवन दे रहे हैं, जो आपको सामने आपकी विधानसभा की स्थिति को ठीक कर देते हैं, जो आपके लिए वहां पर कनॉट प्लेस जैसी तस्वीर बना देते हैं, ऐसा बाजार आपके लिए तैयार कर देते हैं, इस तरह के बहुत सारे नंबर ऑफ चीजें लिस्ट है वहां पर, आप उसके मंदिर जाने पर उसे धो देते हैं मंदिर को, तो आपको ये जितनी भी इमारतें बनी है जिसमें आप घूम रहे हैं, जिसको आपने 200 करोड़ में बनाया और 800 में बेच दिया, मतलब 200 करोड़ में अगर अखिलेश यादव ने बनाया और आपने 800 करोड़ में बेच दिया, तो उन बिल्डिंग्स का क्या करेंगे, इतना गंगा जल लाना पड़ेगा ना, फिर तो ये सब धोना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बनाया तो उन्हीं ने था। आपको एक जो बनाने की बात है, मैं उसकी बात करता हूँ पहले, तो अगर मैं बनाने की बात करूं तो आपने जितने हाईवेज आप देखेगा इस वक्त बनाए गए हैं, जिनमें इनके पीछे चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो मैं जरूर विस्तार से आपके साथ भी और अलग से भी ये चर्चा करना चाहूंगा कि इन हाईवे के पीछे का गेम क्या है। मगर आप जाएंगे जिसपे 120 किलोमीटर की स्पीड नोटेड है, आप किसी बाहरी विदेशी एजेंसी को बुला के आप 80 किलोमीटर की स्पीड से उसे अप्रूव करा के दिखा दिए आप जो बोले मैं वारू। मैं दुनिया भर में घूमता हूं, मुझे पता है अगर इतनी थर्ड क्लास जो है वो रोड है, आप पेरिफेरल पर जाइए, आप गाड़ी दौड़ा के दिखा दीजिए, आपकी गाड़ी उड़ के है तो पेरिफेरल से बाहर हो जाएगी या फिर खड्डों में आपके जो है सस्पेंशन खराब हो जाएंगे, आप वो टुकड़ों में उसको बनाते हैं, थर्ड क्लास इंजीनियरिंग उसमें होती है, आप क्या मतलब जो है दुनिया को क्या ख्वाब दिखा रहे हो।
आज आप जिस लुटियन की दिल्ली की आप बात कर रही हैं या जिस लोकसभा की आप बात कर रही हैं, उन लोगों ने किन वैल्यूज के साथ जो है काम किया, किस डेडिकेशन और लॉ एंड ऑर्डर्स के साथ काम किया है, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ये जो जोड़ी कमांड में है ये वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि इनका गोल जो है कुछ चीजें इन्होंने क्या किया है, ये जो आरएसएस के एजेंडे थे या हिंदू महासभा के जो एजेंडे थे उनको अपने हाथ में लिया, उनको हाईजेक किया और उनको ताकि वो आरएसएस को खत्म कर सकें, जैसे विश्व हिंदू परिषद को जिस तरह गुजरात में इन्होंने निपटाया, इस तरह दुनिया से हिंदुस्तान से आरएसएस के को बिल्कुल किनारे करके उनको हाईजेक करके उनके जो कार्यकर्ता जो उन्होंने बचपन से लेके बच्चों में फीड किया था उस पूरे सेंटिमेंट को एनकैश अपने एंगल से करने के लिए हाईजेक किया, और फिर उसपे कोई जिम्मेदारी वाली कोई काम थी या प्रो नेशन वाली कोई काम थी, ये सब लोगों को देखिए एक एक एक, एक छोटी सी बात, आशुतोष जी को भी माजरत जो है थोड़ी देर तो मैं आप भी थोड़ा अपना रिव्यू दीजिएगा, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं वो मानसिकता देखती हैं और वो दुनिया के 136 देशों में सरकार बनाने बनवाने गिराने का कॉन्ट्रैक्ट लेती है, एप्को वर्ल्ड वाइड कौन सी एजेंसी है, किस देश की है और कौन सा नेता उसका क्लाइंट है, पहले साइटों पे जाकर सब लोग चेक करें तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात करता हूं इस पे, वो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं हजारों करोड़ ले लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि इस देश के लोग किस लेवल के पागल है, किस लेवल पे जाके बेवकूफ बनाए जा सकते हैं, वो उतना ही खर्चा करते हैं जिस लेवल का उनका उस देश का इंटेलेक्चुअल लेवल होता है। आपके लोगों को वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, काला बंदर आ गया, चुटिया कट गई, अब वो देखते ही इस अफवाह को फैला के देश में कितने लोग जो है इस पर यकीन कर रहे हैं कि कोई काला बंदर आके परछाई उसकी गायब हो जाती है, आ जाता है और रात को उनकी सोते सोते चुटिया कट जाती है, पता चला अफवाह फैलने के बाद कुछ लोग लड़के या लड़कियां अपनी चुटिया खुद काटने लगते हैं, तो ये देख लेते हैं कि ये जाहिल और पागल है, इन लोगों को तो छोटी सी बात में बेवकूफ बनाया जा सकता है। आप सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं आपको देखिएगा विकसित भारत बना दूंगा और रोजगार उनके हाथों से छीन के 80% भारतीयों को शोक के साथ कहता है हम उनको फ्री में अनाज दे रहे हैं फ्री में, और यही प्रधानमंत्री कहता था या इसके लोग कहते थे कि केजरीवाल फ्री में अगर पानी देगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, जब ये लोगों को अनाज देंगे घर में बिठा देंगे रोजगार नहीं देंगे, क्योंकि अगर तुम उनको रोजगार नहीं दोगे वो गांव में नरेगा में काम नहीं करेंगे, नरेगा में काम नहीं करेंगे तो जो गांव के अंदर सड़कों का डेवलपमेंट होता है दूसरे डेवलपमेंट है तो वो डेवलपमेंट नहीं होंगे, और जब एक अर्थव्यवस्था ड्राइविंग करने का एक तरीका होता है, अगर अर्थव्यवस्था इस देश के अर्थशास्त्रियों को समझ में आती कि कैसे चलती है, जब तक आप प्रोडक्शन नहीं करोगे जब तक कुछ निर्माण नहीं करोगे तब तक आप अर्थव्यवस्था ड्राइव नहीं कर सकते, अगर आपने किसी को बैठे बिठाए खाना देकर काम सब कुछ रोक दिए तो आप उस जगह उस देश उन लोगों को एक गहरे खड्डे में ले जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में वो उनकी औलादें भीख मांगेंगी। जी बिल्कुल आपने लिखा, ये बहुत बहुत रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल चीज है, आपको डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, आप अमेरिका जाइए वहां पर ये बातें आपको सुनाई नहीं देंगी, वहां पर आपको डेवलपमेंट नौकरी चाहिए, आज वहाँ कमी नहीं है, यहाँ इंडिया से कितने सारे लोग वहाँ चले जाते हैं और नौकरी करते हैं, खुद वहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि हमारे गूगल में आपको इंडियन सीईओ अब तो मतलब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इंडियंस भी सीईओ मिल जाएंगे, पहले कहते थे कि नहीं होंगे लेकिन अब कहते होंगे, अब सीईओ तक वहाँ पर अमेरिका में इंडियंस जाके बन रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।